हम अपने किचन में आ चुके हैं, हमने सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिए हैं। अब बस हमें चेक करना है कि हमारा गैस का जो बर्नर है अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। और इस पर जो है, मैंने बताया था कि पहले मुझे इस पर कोई मीठा चीज़ बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शाम का वक्त है तो चलिए सब कॉफ़ी बना लेते हैं। वैसे तो मम्मी ने कहा था कि खीर बना लेना, बट मुझे खीर बनाने नहीं आता है, और कॉफ़ी बनाना आसान है और जल्दी हो जाएगा। फिर मुझे खाना भी बनाना है इस पर, क्योंकि इस वक्त घर पर कोई है नहीं। तो चलिए जल्दी से कॉफ़ी बनाते हैं, उससे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है अच्छे से कि नहीं। तो ये मैंने ऑन कर दिया। ओके, अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ये पहला बर्नर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो इसका फ्लेम, ये हाई पर है, ये सबसे मिनिमम पर है। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला भी है सेम, ये भी चेक हो गया। नेक्स्ट, ये भी काम कर रहा है अच्छे से। चलिए, फ्लेम चेक हो चुका है, बहुत अच्छा फ्लेम है। अब इस पर चलिए कॉफी बनाते हैं। ये रहा, तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, नहीं तो आपका समय ज्यादा लगेगा। ओके दोस्तों, जब तक ये दूध उबल रहा है, मैं आपको एक ट्रिक बताने के लिए बोला था। वो ट्रिक ये है कि जब पाइप को आप लगाते हो ना, अगर आप उसको आसानी से उसमें फिट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पाइप को लोगे अपने रेगुलेटर या फिर अपने चूल्हे में लगाओगे, जो नया पाइप आप लाते हो, तो होता क्या है कि उस पाइप को उतना हार्ड होता है ना, उसको उसमें लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। और इस चक्कर में जो है हम लोग उसको अच्छे से फिट नहीं कर पाते हैं, और गैस जो है लीक होने लगता है, लीकेज की प्रॉब्लम होती है, गैस भी नुकसान होता है आपका। और साथ ही साथ अगर आपका गैस को निकलने का जगह नहीं है, एयर वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का भी चांस होता है। तो इसलिए ये एक ट्रिक है जो आप आजमाइएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई भी लगा पाएगा। आप एक गर्म पानी कर लीजिए, गर्म पानी इतना होना चाहिए कि हाँ उसमें हाथ लगाने पे आपका हाथ जल ना जाए, बस उस गर्म पानी को जो है जहाँ पर पाइप है लास्ट वाला कॉर्नर, वहाँ पर कुछ देर तक उसको पानी जो है डालते रहिए उसके ऊपर, और करीब 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उस पानी में मत छोड़ दीजिएगा, उस गर्म पानी को डालने के बाद उस पर मतलब वो आप समझ लीजिए 2-3 गिलास उस पानी डाल दीजिए गर्म पानी, और उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए उस पाइप को छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप 10 मिनट के बाद उस पाइप को नोजल में फिट करेंगे रेगुलेटर में या फिर गैस चूल्हे के जो नोजल है उसमें, तो आसानी से चला जाएगा, उसके बाद वो नॉर्मल फिटिंग में आ जाएगा, तो उसमें आपका कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये ट्रिक सबको इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक थी, कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने भी इसी तरीके से फिट किया है। तो ठीक है, अब दूध उबलने ही वाला है, फिर हम कॉफ़ी बनाते हैं। सो हमारा दूध उबल चुका है, अब मैं अपना पहले इसमें चीनी डाल देता हूँ। चम्मच कहाँ गया पापा, मैं ये रहा। वैसे मैं चीनी जो है कॉफ़ी जब बन जाता है हमारा उसके बाद कप में डालता हूँ, बट चूल्हे पे कुछ मीठा पकाना था इसलिए मुझे इसमें डालना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं इसको चीनी को जो है ना कप में डालता हूँ, डायरेक्ट इसमें नहीं डालता। अब मैं इस कॉफ़ी पाउडर को डालूँगा। ये रहा मेरा कॉफ़ी, कॉफ़ी है टाटा कॉफ़ी ग्रैंड फिल्टर कॉफ़ी। इसको बनाने के बाद इसको जैसे चाय को छानते हैं वैसे छानना पड़ता है। खुशी ज़्यादा हो गया,
ये हो गया। तो ये जो गैस है, हमारा जो चूल्हा है जिसकी हमने अनबॉक्सिंग की है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और मुझे यकीन है मम्मी जब इस पर आके खाना बनाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा गैस चूल्हा था ना वो इतना ख़राब हो चुका था, और इतना मतलब वो जो सिंपल वाला था ना, वो पुराना स्टील वाला जो होता है, तो वो काफ़ी पुराना हो चुका था, बहुत गंदा भी लगता था देखने में, और बहुत दिक्कत होता था उस पर। उसका गैस का नॉब ख़राब था, उसका बर्नर भी ख़राब हो चुका था, लगभग गैस का भी बहुत लॉस होता था हमारा, क्योंकि उसमें से लीकेज होती रहती थी, और रिसाव होने की वजह से गैस का जो सिलेंडर होता है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता था। और मुझे उम्मीद है कि अब हमने जो इसमें थोड़ा उससे वो ये कॉस्टली भी पड़ा है, और उसमें दो बर्नर थे, इसमें तीन बर्नर हैं, इसलिए कॉस्टली नहीं पाऊंगा मैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में जब किचन में आपके पास एक ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट होता है, और उसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी। इससे पहले मेरा कॉफ़ी पीना बोले मैं अब थोड़ी देर वीडियो पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा कॉफ़ी बनके तैयार हो चुका है, अब मैं इसको अपने मग में डाल देता हूँ। ओके, अब ये वो कहाँ गया, छानने का हो गया, तो मैं अपने कॉफी को इसमें छानने वाला हूँ इस छन्ने से। देखिए सब कलर कितना मस्त है, पता नहीं आप लोग को दिखेगा कि नहीं। ओके चलिए, मैं इसको जल्दी से छान लेता हूँ। तो हमारे पास हमारा कॉफ़ी है, अब मैं कॉफ़ी का आनंद लेता हूँ, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और भी बहुत सारे अनबॉक्सिंग रिव्यूइंग देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम ट्रू न्यूज़ दी है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। ये जो हमारा गैस स्टोव है, प्रेस्टीज का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ख़रीदना है तो ज़रूर खरीद लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस वीडियो में, जल्दी जी किया, बाय।